तेरी कोख में पल रही है, किसने हक दिया तुझे? मैं कहता हूं तुम उसे कुछ क्यों नहीं कहती जो इस सारे झगड़े की जड़ है, अन्नू। जी, वो बोतल मिलना बहुत जरूरी है। हम उस कंपनी के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। अगर रीवा के साथ कुछ ऊंच नीच हो गया होता आज तो क्या हाल होता हमारा? पुलिस, कचहरी, कोर्ट, जिल्लत, उम्र भर की कमाई मिट्टी में मिल जाती। इंसान को अपने दुख में आंसू जरूर बहाने चाहिए, लेकिन उन आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं बनने देना चाहिए भाई को, बल्कि इन आंसुओं को अपना हथियार बनाओ। मतलब नहीं समझी? जब तुम नकली जहर खाने का ढोंग कर सकती हो तो घबराती क्यों? भविष्य की सुरक्षा मांगी थी आपसे। अब आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। खानदान के वारिस के लिए आपने जो भी वादे किए थे वो तो आप पूरा नहीं कर पाए। अब आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सारे सवाल संजीव से पूछूंगी, संजीव से जाकर पूछूंगी कि वो हमें किसके सहारे छोड़ गया। संस्कार, संस्कार।
आइए। बैठिए ना। नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है। मामा जी कह रहे थे कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती, मुझसे मिलना चाहती। से मिलना चाहती थी। इस घर में एक तुम ही तो हो जिससे मैं संजीव की बातें करके अपना दिल हल्का कर सकूं। देखो रीवा, मैं समझ सकता हूं। तुम मुझसे जो भी कहना चाहती हो तुम कहो, अपने मन का बोझ हल्का कर दो प्लीज। समीर, इस छोटी सी जिंदगी में मैंने सारे रंग देख लिए हैं। मेरे सारे रंग संजीव से ही जुड़े थे। जब तक संजीव था मेरी आंखों में चमक थी, होठों पे मुस्कान थी, मुझ में जीने की चाह थी, पर अब सब कुछ खत्म हो गया है। संजीव के चले जाने के बाद मैं एक जिंदा लाश बनकर रह गई हूँ। मेरी जिंदगी इस बेरंग सफेद साड़ी की तरह हो गई है। ये सफेद साड़ी मेरे होने का और संजीव के ना होने का एहसास दिलाती रहती है। लोग कहते हैं ना कि जिंदगी बेवफा होती है, पर मेरे साथ तो मौत ने भी बेवफाई की है। प्लीज रोना बंद कर दो। रिफा, देखो जिंदगी में ऐसे कुछ दुख होते हैं जिनके साथ जीना पड़ता है। कुछ संजीव की कमी महसूस हो रही है और इस घर में हर कोई अपने तरीके से कोशिश कर रहा है संजीव की कमी को दूर करने के लिए, लेकिन दुख हल्का नहीं होता। जी तुमसे प्यार करता था रीवा, अगर तुम इस घर में रहोगी तो संजीव के लिए प्लीज हम सबका दुख हल्का हो जाएगा। सब क्यों होता है कि जैसे भी हम प्यार करते हैं वो हमेशा हमसे दूर चले जाते हैं? क्यों ऐसा होता है? भगवान मुझे किस पाप की सजा दे रहा है? किस पाप की सजा दे रहा है? रीवा प्लीज अपने आप को संभालो। देखो अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के बारे में तो सोचो प्लीज। तुम्हें उसका ख्याल तो रखना है।
संस्कार, कैसी है तुम्हारी तबीयत? मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ। मेरा दुख समझ सकती हो तो मुझे मेरा हक क्यों नहीं दे देती? रेवा, हक और अधिकार की बातें तुम्हारी जबान से अच्छी नहीं लगती। तुम्हें क्या लगता है, संजीव के लिए जान सिर्फ तुम ही दे सकती हो? अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए सिर्फ तुम ही आत्महत्या कर सकती हो? संजीव मेरा पति था। संजीव के चले जाने के बाद मेरी जिंदगी में और बचा ही क्या है? जान तो मुझे देनी चाहिए। लेकिन एक बात रेवा, मैं अपने मरने का जिम्मेदार तुम्हें ठहराती हूँ। पुलिस जो सवाल पूछेगी तुमसे पूछेगी, और फिर तुम उन्हें जवाब देना कि तुम इस घर में किस हक से रह रहे। संजीव से तुम्हारा क्या रिश्ता था? घर में इस वक्त और कोई नहीं। जो सवाल पूछे जाएंगे तुमसे पूछे जाएंगे, जो उंगलियां उठेंगे तुम पर उठेंगे। ये सब क्या? क्या लगता है, मरने का नाटक सिर्फ तुम कर सकती हो? अगर तुम जहर पीकर जिंदा हो तो मैं भी तो जहर पीकर जिंदा रह सकती हूँ। जैसे तुम जहर पीकर जिंदा हो वैसे ही मैं भी जहर पीकर जिंदा हूँ। जहर पीने का नाटक करके घर वालों को तुम डराना चाहती हो, वैसे ही मैं जहर पीने का नाटक करके तुम्हें डरा सकती हूँ। रेवा, मैंने जो किया इस घर की भलाई के लिए किया, और संजीव ने मेरा साथ दिया था, लेकिन तुम संजीव के साथ विश्वासघात कर रही हो। ये बात हमेशा याद रखना।
और एक बात और याद रखना, हम दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं, देखते हैं कौन जीतता है। हेलो अनु जी, जब भी आप उदास होते हैं मेरे सिवाय आपको कौन फोन कर सकता है? नाम बताइए, कौन बात कर रहा है? विशाल। ओह, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं उदास हूं? मैं बिल्कुल ठीक हूं अनु। काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा है नहीं। तुम जानती नहीं हो अनु, तुम्हारे दिल के तार मेरे दिल से जुड़े हुए हैं। तुम्हारी हर धड़कन की खबर रखता हूं मैं। देखो, तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। फोन रखो। देखा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारा मूड आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फोन क्यों किया है विशाल? तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए। मैं फोन रख रही हूं। नहीं नहीं अनु, अनु रुको, मेरी बात सुनो। अनु, तुम समीर को और उसके घर को हमेशा के लिए भूल जाओ। और कुछ कहना है? अनु, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? देखो, उस घर से तुम्हें नफरत के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। और वो समीर, वो इंसान तो तुम्हारे लायक ही नहीं है। तुम कौन होते हो यह तय करने वाले कि मेरे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा? मैं वही इंसान हूँ अनु, जो तुम्हारे लायक है। अनु, तुम खुद सोचो, जिस इंसान को तुम्हारे प्यार की कदर नहीं है वो तुम्हारी परवाह क्या करेगा? अनु, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारी परवाह है, मैं तुम्हारे प्यार की कदर करता हूँ। बोलो, शादी करोगी मुझसे? विशाल, क्या तुम पागल हो गए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने की मुझसे? अनु, जो लोग सच्चा प्यार करते हैं उनमें हिम्मत, ताकत, साहस, हौसला सब कुछ अपने आप ही आ जाता है। अभी तो मैंने सिर्फ कहा तुम हाँ करो, मैं आज के आज ही तुम्हारे घर पर बारात लेकर आ जाता हूँ। बोलो। विशाल, मैं फोन रख रही हूँ। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ, लेकिन तुम भी एक बात जरूर याद रखना, तुम एक दिन खुद मुझे फोन करोगे और अपने दिल का हाल सुनोगे। बाय।
रीवा, ये सब क्या है? कहाँ जा रही हो तुम? मैंने फैसला कर लिया है, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। रीवा, मैंने तुमसे कुछ कहा था, शायद तुम भूल गई हो। मैं याद दिला देता हूँ, तुम ये घर छोड़कर कभी नहीं जाओगी। बाबूजी, अब मैं आप सबको ये उलझन में नहीं देख सकती। अब मुझे या मेरे होने वाले बच्चे को घर से कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए संजीव की यादें ही काफी है। कैसी बातें कर रहे हो रीवा? यादों के सहारे दिन काटे जा सकते हैं, जिंदगी नहीं काटी जा सकती। इस घर को छोड़ने का सोचो भी मत। नहीं माँ, मुझे मत रोकिए। और फिर रुको भी तो किस हक से? कौन हूं मैं इस घर की बहू, बेटी, मेहमान या फिर बोझ? अब मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन अनु का तो है ना? आप सब तो मुझे फिर भी अपना लेंगे, पर अनु वो मुझे नहीं अपना पाएगी। वो मुझे बेइज्जत करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगी। और फिर अपमान की घूंट पीकर मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। मुझे जाने दीजिए। मैं अभी मरा नहीं हूं रेवा। घर में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, इसका फैसला मैं करूंगा, अनु नहीं। वैसे भी इस घर को कुछ कम दुख नहीं दिए हैं उसने। हमारा बेटा संजीव तुमसे प्यार करता था, उसके प्यार की निशानी तुम्हारे पेट में पल रही है। इस घर से अगर कोई जाएगा तो वो अनु। रही बात इसकी कि तुम इस घर में किस हैसियत से रहोगी? उसका फैसला भी बहुत जल्द हो जाएगा। तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। जाओ रेवा। सिंगार संस्कार।